दोस्तों, हम गार्डन में अपने फूल लगाते हैं, फूल वाले पौधे लगाते हैं, ये सोच के कि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। लेकिन होता क्या है, हमारे फूल वाले पौधे कुछ हम नर्सरी से लाते हैं, बहुत महंगे महंगे फूल वाले पौधे लाते हैं, लेकिन उनमें होता क्या है कि वो कुछ दिनों में डाई बैक हो जाते हैं, खत्म, खराब हो जाते हैं, या उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिससे कि आप यूज करेंगे तो आपके पौधों में अच्छी फ्लावरिंग भी होगी और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि आप बाजार से ये वाली खाद ले आइए, या ये वाली फंगीसाइड ले आइए, ये वाला केमिकल खाद ले आइए, लेकिन मैं ऐसी कोई खाद नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा केवल घरेलू खाद जिससे कि आप घर में ही तैयार कर सकते हैं और अच्छी अच्छी फ्लावरिंग अपने फूलों से ले सकते हैं। ये देखिए, जैसे मेरे गुड़हल के पौधे में देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कम से कम 6-7 फूल खिले हैं इसमें। ऐसे ही गुलाब के पौधे में देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इस तरीके से आपके पौधों में भी अच्छी फ्लावरिंग होगी और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और गार्डन हरा भरा रहेगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, स्किप ना करें, क्योंकि मैं वीडियो में ऐसी जानकारी दूंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ऐसी खाद देता हूं मैं पौधों को, तो आप वीडियो में बने रहिए। और जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसे बरसात का सीजन अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, तो इस समय जो अगर आप जैसे बारिश होती है, बारिश में जो पौधे होते हैं ज्यादातर पौधे जो है खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बारिश का पानी पड़ता है तो पौधों की जो जड़ें हैं वो खराब हो जाती हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं अलमंडा का पौधा, देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, इसमें भरपूर फ्लावर आए हुए हैं। ऐसे ही मेरे जो है गुड़हल के पौधे में कुछ तो कलियां बनने लग गई हैं, बहुत सारी कलियां बन रही हैं और बहुत सारे फूल भी आने लग गए हैं। ये जो गुड़हल का पौधा होता है ये बहुत हर किसी के गार्डन में होता है, लेकिन क्या होता है इसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती है। कई लोग क्वेरीज करते हैं कि हमारे गुड़हल के पौधे की कलियां खराब हो रही हैं, या गुलाब के पौधे में जो है ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, या कोई और भी फ्लावरिंग प्लांट है उनमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। तो आप जो है उसमें खाद डालते हैं, बहुत सारी खादें डाल देते हैं, बहुत सारी जो है उसमें केमिकल खाद, घरेलू खाद जो भी है आप उसमें यूज करते रहते रहे हैं, लेकिन उसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती है और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है। जो पौधे के पत्ते हैं बरसात के समय जब पानी ज्यादा होता है तो उस पीले पड़ने लग जाते हैं, और जो है जो कलियां बनती हैं उसमें भी मिलीबग वगैरह लग जाता है और कलियां जो है गिरने लग जाती हैं। तो मैं आपको एक खाद बताता हूँ वो किस तरीके से तैयार करनी है और कैसे कैसे अपने पौधों को अप्लाई करनी है। उससे पहले पौधों की केयर जो बरसात के बाद करनी है आपने, बरसात जो समाप्ति की हो रही है इस समय जो आपने केयर करनी है वो पहले जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले जब आप नर्सरी से जो कोई पौधा लाते हैं तो आप गमले में लगा रहे हैं, तो सबसे पहले जो आप लेते हैं उसमें गमला, कई लोग होते हैं जो प्लास्टिक के गमले में लगा देते हैं, लेकिन प्लास्टिक के गमले में क्या होता है पानी रुकता है और ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। आप कभी भी पौधा लगाते हैं तो उसको मिट्टी के गमले में लगाइए, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, मिट्टी के गमले में आप लगाएंगे पौधा तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। कभी भी आप पौधा लगाते हैं तो मिट्टी का गमला मैंने आपको बताया, उसके बाद आपने केयर क्या करनी है उसमें, जब भी आप मिट्टी बनाते हैं पौधे के लिए तो बहुत वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पानी रुके ना, क्योंकि कई लोग पौधा तो लगा देते हैं लेकिन उसकी केयर नहीं करते हैं, फिर बाद में पूछते हैं कि हमारे उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्रूटिंग नहीं हो रही है। अगर मिट्टी उसकी, जैसे देखिए ये कितनी वेल ड्रेन मिट्टी है, अगर मिट्टी में अगर पानी रुकेगा गमले में, अगर आपके पानी रुकेगा, कोई भी चीज़ है अगर जैसे पौधा है ये पानी उसको उतनी ज़रूरत है वो उतनी लेगा, अगर उसको ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो खराब हो जाएगा। जैसे इंसान में ही देख लो, अगर पानी ज़्यादा पी लेते हैं तब भी दिक्कत है और पानी कम पीते हैं तब भी दिक्कत है, तो इसलिए पौधों में भी उसी प्रकार से पानी अच्छा होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें पानी, देखिए थोड़ा सा देखिए मॉइस्चर है मिट्टी में, तो इस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए आपकी, वेल ड्रेन मिट्टी, मिट्टी जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप मिट्टी जब तैयार करते हैं तो उसमें राइस हस्क यूज कर सकते हैं आप, राइस हस्क से भी जो है मिट्टी वेल ड्रेन बनती है, राइस हस्क यूज करिए, उससे मिट्टी आपकी अच्छी बनेगी और पौधों की जो जड़ों को जो है फैलने का जगह मिलेगी जिससे कि पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर जड़ों को फैलने का जो है जगह ही नहीं मिलेगी मिट्टी में तो पौधा ग्रोथ कैसे करेगा, ये आप खुद ही सोच लीजिए इस चीज़ को। तो अगर आपने राइस हस्क वाली मिट्टी अगर आपने तैयार करनी है तो मैंने उसका वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा कि मिट्टी कैसे तैयार करते हैं पौधों के लिए अच्छी। तो इस तरीके से आप मिट्टी बनाइए, और उसमें खाद की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तभी हमारी जो है शरीर काम करता है,
उसी प्रकार से अगर पौधा को अगर खाना मिलते रहेगा, जो इसकी खाद है वो मिलती रहेगी, तो पौधा भी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो मैं देखिए, जैसे पौधे की जो जड़ जड़ है, जड़ के नजदीक में कोई भी पत्तियां आपको दिख नहीं रही होंगी, ना कोई ब्रांच दिख रही होगी। तो मैंने इससे जो जड़ के आसपास है सब पत्तियां निकाल रखी हैं। उससे क्या होता है, फंगस लगने का डर रहता है। तो आप कोई भी पौधा लगाते हैं, गुलाब हो, चाहे गुड़हल हो, चाहे अलमंडा हो, चाहे कोई भी तुलसी का पौधा ही हो, तो उसमें जड़ के आसपास कोई पत्तियां वगैरह नहीं होनी चाहिए। और उसमें जो खरपतवार है उनको निकालते रहिए बीच बीच में, और जो खरपतवार रहेंगी तब भी आपका पौधा पोषण नहीं करेगा। और जो इसमें जो कलियां हैं, देखिए जैसे कली है, ये खिल के सूख गई है अब, तो इसको आप कोई भी कलियां हैं, गुलाब की है, कोई भी फूल की कली है, वो है फूल है, जब सूख जाता है तो आप उसको निकाल दीजिए इस तरीके से। क्योंकि अगर ये फूल लगा रहेगा इसमें खिलने के बाद भी अगर सूख जाएगा, उसके बाद इसको पोषण नहीं मिलेगा पौधे को, इसमें नई कलियां नए फूल नहीं बन पाएंगे। तो आप इनको निकालते रहिए, और पीली पत्तियां जितनी भी होती है पौधों में वो सब निकालते रहिए। फिर देखना, आप अगर अच्छी केयर करेंगे पौधे की तो आपके पौधे में भी अच्छी फ्लावरिंग होगी। अब मैं बताता हूँ आपको खाद कैसे तैयार करनी है पौधों में, जो अच्छी फ्लावरिंग होगी, जिसकी वजह से खाद घर में ही तैयार कर सकते हैं आप। जो आप घर में खाद तैयार करेंगे, आपको मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है। मार्केट से केवल एक आपको क्या लाना है, घड़ा। ये मैंने घड़े में जो खाद तैयार करी थी वो मैं आपको बताता हूँ कैसे तैयार करनी है। बहुत अच्छी खाद बनती है ये, इस तरीके से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी खाद बनी है। थोड़ा टाइम लगता है इस खाद को बनने में, लेकिन ये बहुत अच्छी खाद होती है। मैं अपने सारे पौधों में इसको यूज करता हूँ। ये देखिए, मैंने खाली कर दिए लगभग लगभग। ये आप सोचोगे है क्या है? ये देखिए, ये पत्ते हैं जो अपने गार्डन में निकलते हैं, सूखे हुए पत्ते या हरे पत्ते जो भी निकलते हैं वो हैं, सारे वही हैं। ये उससे मैंने ये खाद तैयार करेगी। आप इसको अभी यूज कर सकते हैं, मैं इसको यूज करते रहता हूँ बीच बीच में। ये देखिए, इस सारे पत्ते गल के डिकम्पोज होकर ये खाद तैयार हो रही है। ये कैसे करनी है तैयार, पत्तों की खाद कैसे तैयार करते हैं? आप एक घड़ा लेंगे, घड़े में क्या है, आप जितने सूखे पत्ते हरे पत्ते जितने हैं वो सारे डाल दीजिए, और पत्तों को गला गलाने के लिए आप उसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा डाल देंगे। इसमें थोड़ी, जितने पत्ते हैं ये पूरा भर जाएगा, उसके बाद इसमें पानी की मात्रा डाल दीजिए। ये पूरा भरा था, उसके बाद ये खाद तैयार हुई है। देखिए, जब वो भर जाएगा उसमें पानी डाल दीजिए थोड़ा, और हर 15-20 दिन में उसमें थोड़ा सा दही की मात्रा डाल देंगे, जो क्या होता है डिकम्पोज होने में फायदेमंद रहती है। डिकम्पोज जल्दी होता है अगर हम दही की मात्रा डाल दें उसमें, तो उससे जो पत्ते हैं जल्दी डिकम्पोज होते हैं और आपकी खाद जल्दी तैयार होती है। ये खाद तैयार होने में कम से कम 3 महीने लगे। देखिए, ये अभी थोड़ा हल्की फुल्की डिकम्पोज और होनी है, लेकिन इसको आप अभी भी यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से आप पत्तों की खाद तैयार करिए, और अपने पौधों में जैसे मैं बताता हूँ 10-15 दिन में आप इसको अपनी मिट्टी में इस तरीके से, जैसे ये खाद तैयार है, इतनी इतनी खाद से आपका पौधा अच्छी ग्रोथ कर लेगा। हर 10-15 दिन में देनी है ये खाद, ऐसे तैयार है जैसे, इसको अपनी पौधे की मिट्टी में इस तरीके से डाल दीजिए और उसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर दीजिए। मैं यही खाद देता हूँ अपने पौधों में, ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है। और जब मिट्टी तैयार करते हैं उस समय गोबर की खाद दे देता हूँ, बाकी कोई खाद नहीं देता हूँ। लेकिन जब फ्लावरिंग होती है, आप सोचोगे केमिकल खाद नहीं देते हैं, लेकिन केमिकल खाद भी देनी है आपने। अगर आपको ज्यादा फ्लावरिंग है और ज्यादा अच्छे फूल चाहिए, फूलों के साइज बड़ा चाहिए, तो आप उसमें DAP की मात्रा, 4 दाने DAP आप चाहे गुलाब के पौधे में हो या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, गुड़हल हो, अलमंडा हो, फॉर्सुलाका हो, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट में अगर उसमें ज्यादा फ्लावरिंग चाहिए, तो आपको केमिकल खाद 1-2 बार डालनी पड़ेगी जब फ्लावरिंग होती है उसमें, जब उसमें कलियां बनती है। तो आप 4 दाने DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये आपको खाद की दुकान में मिल जाएगा, आप उसके 4 दाने वो भी डाल दीजिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको घरेलू खाद या गोबर की खाद या जो मैंने पत्तों की खाद जो आपको बताई है, ये जरूर डालिए। इससे आपके पौधों में अच्छी फ्लावरिंग होगी। यही मैं अपने सारे पौधों में यूज करता हूँ, और देखिए मेरे गार्डन में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूटिंग भी अच्छी हो रही है। तो इस तरीके से आप खाद बनाइए, और अगर आप इसको यूज करते हैं उसके बाद मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इस खाद से हमें फायदा हुआ नहीं हुआ। और वीडियो को 1 लाइक तो आप जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।